अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताऊँ। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की जिसमें 6 लाख फी एकड़ के हिसाब से मैंने एक ज़मीन लगाई थी, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि लोग सस्ती ज़मीन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो काफ़ी मैंने अपने एरिया में ये चीज़ सर्च की लेकिन मुझे नहीं मिली, फिर मुझे अपने एरिया से बाहर आना पड़ा। आलमोस्ट मैं इस वक्त 15 से 20 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ दूर आपके लिए। मैंने सर्च की और सर्च करने के बाद मुझे ज़मीन मिली है जो कि इंतहाई सस्ती है। इस ज़मीन को रिसर्च करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट्स निकाले और कॉन्टैक्ट्स निकालने के बाद मुझे ये ज़मीन मिली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दिखा दूँ, ये कमाद है, आगे और भी फसलें मैं वो भी दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये आप एक चीज़ कंसेप्ट बना लें कि ये चीज़ करामद है। वहाँ पर किन्नू के दरख्त हैं, आगे मैं इंशाल्लाह जब जाता हूँ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बाकी ये ज़मीन है, यहाँ पे ये रेत है, आपने यहाँ पे देखा है ये सारी रेत है। ये जो सारी पीछे ज़मीन है ये तकरीबन बनती है इस वक्त 100 किला, 100 से अबव है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि हम आपको काउंट करके सेल करेंगे वो 100 एकड़ है। 100 एकड़ ज़मीन है जो फॉर सेल है। अच्छा, इसमें यह है कि ये रेत है ऊपर सारी। इस ज़मीन का आप करामद बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या रेट है, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। व्यूअर्स, एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा सफ़र करता हूँ, इतनी ज़्यादा एफर्ट करता हूँ, मेहनत करके सस्ती ज़मीन रिसर्च कर रहा हूँ, आप जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक करके मुझे लाजमी बताएँ कि आपको मेरी ये एफ़र्ट कितनी पसंद आई है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा व्यूअर्स, इस ज़मीन पर आपको मैंने जैसे कि बताया रेत है। ओवरऑल ये जो ज़मीन है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़मीन का रेट है। भाई, इसका रेट बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे पीछे आप देखें, ये यहाँ पे रेत निकाल रहे हैं क्योंकि इसके नीचे जो ज़मीन है, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे नीचे की तरफ इन्होंने गड्ढे खोदे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये ज़मीन को लोग कैसे करामद बना रहे हैं। जो लोग भी इस ज़मीन को ख़रीदते हैं, अब ये देखें, ये नीचे से मिट्टी निकल आई है, ऊपर रेत है, नीचे से मिट्टी निकल आती है। वो देखें ना, पीछे की तरफ अभी सूरज नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे क्रेन लगी हुई है जो रेत निकाल रही है। ओवरऑल यहाँ पे डिप वगैरह है, जो इस तरह के ये फालतू पौधे हैं। अब ऊपर से इसके रेत जब उतार लेंगे तो नीचे से मिट्टी की तह निकल आएगी। तो इसमें ये होता है कि आपका एक्सपेंस भी कोई नहीं आना, ये नहीं है कि आपको ये अब रेत यहाँ से उठवाने का एक्सपेंस आएगा, यहाँ से आपसे लोग ख़रीद लेंगे। और या जहाँ से जब ये लोग आपसे रेत वगैरह ख़रीद लेंगे, वो रेत खुद ही निकाल के देंगे आपको, ज़मीन बिल्कुल बराबर करके देंगे। जो नीचे मिट्टी होगी, आपको 1 से 2 साल इसमें मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के बाद ये जैसे रेतली मिट्टी होती है वैसे नहीं होगी, ये ज़मीन बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे चीकनी मिट्टी होती है। इस ज़मीन को पानी का बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि यहाँ पर नहरी पानी बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ ट्यूबवेल और जो सोलर प्लेटें हैं वही हैं टोटल। लेकिन सोलर प्लेटें वगैरह जो आप लगवाएंगे वो आपका अपना एक्सपेंस होगा टोटल, वो सारा कुछ आपको खुद करना होगा। तो व्यूअर्स, ये इसके कुछ बैड पॉइंट्स हैं। बेनिफिशियल बात ये है कि इसका ज़मीन का रेट कम है, आपको जो एक्सपेंस आएगा वो जस्ट आपने इसको बाई करने, फर्स्ट जो आपने हल चलाने और खाद देनी है वही है। बाकी उस ऊपर से ऊपर रेत उठाने की जो एक्सपेंस होगा, जो भी आपसे ठेका लेगा बंदा, वो जब रेत उठा लेगा तो उसकी वो मद में कुछ ना कुछ पैसे देगा। उन पैसों से आपका ये है कि आपका हाफ़ जो एक्सपेंस है ज़मीन को सीधा करने में वो बन सकता है। ये ज़मीन बेकार नहीं है बिल्कुल, आप समझे, बेकार है, बेकार बिल्कुल नहीं है। ये ज़मीन आपको मैंने दिखाया भी है, इसमें फसलें हो रही हैं, फसल भी हो रही है और इसमें इसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। बाकी वहाँ पे आप देखें तो काम हो रहा है, बिकॉज सूरज है, वहाँ पे आप देख रहे हैं काम हो रहा है। इस पर लोग जो है मिट्टी रेत वगैरह उठवा रहे हैं साथ साथ ही, और ये ज़मीन जो है इसको काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। व्यूअर्स, इस ज़मीन के रेलिवेंट जितनी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ मैंने आप तक वो पहुँचा दी है। बाकी आपको इस चीज़ का पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी इंसान से कोई लालच नहीं होता, मैं किसी इंसान से कोई कमीशन का वास्ता नहीं रखता, जो सच होता है वो आपको पहुँचा देता हूँ। इस ज़मीन के रेट की बात करें तो व्यूअर्स, इसका जो रेट है मालिकान की तरफ से फाइनल रेट इसका 2 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से है। बाकी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपका कितना एक्सपेंस आएगा, क्या आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको इस चीज़ में बता दूँ इस वीडियो में कि पहले 2 साल आपके नुकसान में, पहले 2 साल आपको फसल ना होने के बराबर मिलेगी, क्योंकि जब एक ज़मीन की ऊपर वाली तह आप रिमूव कर देते हैं, जो नीचे वाली तह होती है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स और वो अज्जा नहीं होते हैं जो कि एक पौधे को रिक्वायर्ड होते हैं, उसको कारामद बनाने के लिए कम से कम 2 साल लगते हैं। तो 2 साल जो पहले होंगे वो भी आपकी फसल ना होने के बराबर होगी, ये बात भी अपने जहन में आप रखें।
एक और चीज़, इस ज़मीन में आप पहले 2 साल या पहले 2-3 साल जो फसल की उम्मीद रख सकते हैं वो सिर्फ तिल है और इसके अलावा कमाद है, क्योंकि इस ज़मीन में वो जो कमाद है उसकी नौशनुमा और तिल की नौशनुमा बेहतर होती है। बाकी व्यूअर्स, आपको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रेट बताए होते हैं, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, 50,000। मैं किसी की यहाँ पे कोई गीबत करने या किसी की कमियाँ निकालने नहीं आया हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं सिर्फ आप तक पहुँचाता हूँ। बाकी इसका जो रिकॉर्ड की बात करें, इसके पानी की बात करें, पानी मीठा है, गवर्नमेंट का रास्ता है और रिकॉर्ड जितना भी है वो कंप्यूटराइज है।